नमस्कार, न्यूज़ इन साइंस में आपका स्वागत है। पेश है प्रोग्राम विज्ञान के ऐतिहासिक पन्ने, और आज बात करते हैं हर्बर्ट हॉल टर्नर की, जो एक अंग्रेजी खगोल शास्त्री थे जिनका जन्म आज के दिन 13 अगस्त 1861 में हुआ था। टर्नर की शिक्षा लीड्स मॉडर्न स्कूल, क्लिफ्टन कॉलेज और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी। अगर उनके शोध कार्य पर नज़र डालें तो टर्नर ने खगोलीय तस्वीरों से तारकीय स्थिति निर्धारित करने में सार्वभौमिक रूप से नियोजित कई प्रक्रियाओं का बीड़ा उठाया था। 9 वर्षों तक रॉयल ग्रीनविच वेधशाला में मुख्य सहायक के रूप में सेवा देने के बाद उन्होंने अपना अधिकांश करियर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में बिताया। आकाश के ज्योतिषीय चार्ट का निर्माण करने के विश्वव्यापी प्रयासों में से एक टर्नर ने फोटोग्राफिक प्लेटों से स्थिति और परिमाण दोनों प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीके विकसित किए। उनका बाद का अधिकांश काम भूकंप विज्ञान में रहा। उन्होंने 1918 में विश्वव्यापी भूकंप के आंकड़ों को संकलित किया और प्रकाशित किया। उन्होंने 1922 में गहरे फोकस वाले भूकंपों के अस्तित्व की खोज की। 1897 में उन्हें रॉयल सोसाइटी के फैलो चुना गया और 1927 में उन्हें ब्रूस मेडल भी मिला। चलते चलते यह भी बता दें कि 1888 में आज के दिन ही स्कॉटलैंड के इंजीनियर लॉगी बेर्ड का जन्म हुआ था, जिन्होंने 1924 में पहली बार चलती हुई वस्तुओं का प्रसारण किया था, जहां से टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और वैज्ञानिक जानकारी के साथ। देखते रहिए न्यूज़ इन साइंस। नमस्कार।